मैं उस प्रभु परमात्मा जो के साडे आत्मा की खातर तन धार के संसार आए, वर्तमान समय के मुताबिक उन्होंने नाम सावन कुरपाल पाया। मैं संभाल कर रहा है जिसने कि इस गरीब आत्मा से आके रहम किया, आपकी भक्ति का दान दिता। सानू पता है कि हर समाज के अंदर महापुरुष आए और सबने आके सब आत्मा दे के उस प्रभु नूं पाउणा ही मुख आदर्श दसिया। महात्मा जब भी सचखंड तो आते हैं वो कोई वंडियां पाने वास्ते नहीं आते गए, वो तो साढ़े को परमात्मा की भगती कराने वास्ते आते हैं। वो सानू दसते हैं कि परमात्मा एक है, वो दे मिलन का जो साधन और तरीका है वो भी इको ही है। और महात्मा ये भी अपना अनुभव दसते हैं कि वह साढ़े सब के अंदर है, वो परमात्मा किसी की भी परसनल जायदाद नहीं, किसी खास समाज का उसके अधिकार नहीं गा। हिंदू करे भगती हिंदू पा सकता है, मुसलमान करे मुसलमान पा सकता है, सिख करे तो सिख उस परमात्मा को पा सकता है, ईसाई कर्म तो ईसाई उसनू पा सकते हैं, वो परमात्मा सबदा है। साधी आत्मा उस परमात्मा तो विछड़ के इस संसार दे विच आई है, इत्थे आके इन्हें मन का साथ ले लिया। जिस तरह पानी जब बदलों के विच वरसदा है बिल्कुल वो साफ प्योर हुंदा है, पवित्र हुंदा है, लेकिन जब जमीन के उत्ते आ पैंदा है पानी चिक्कड़ विच आ जाता है, गंद विच आ जाता है, उहदे विच बदबू आउण लग जाती है। पानी तां कितना साफ सीगा जब बारिश बन के जमीन पर आया, लेकिन गंद का साथ लेके उहदे विचों भी गंद जैसी बदबू आउण लग जाती है। जब उस ही पानी में सूरज की तपश मिलती है वो बखारा तो बन के उग जाता है, सीधा बदलों में समा जाता है। फिर उस पानी में पता लगता है कि गंद कोई होर चीज है, मैं कोई होर चीज सी, सिर्फ साथ लैन करके ही मेरी ये दुर्दशा हुई। सो इस तरह संत महात्मा सानू प्यार नाल दसते हैं कि साड़ी आत्मा तो प्योर और पवित्र सी, सचखंड की वासी सी। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सीगे कि यह सतपुरश की राजकुआरी है, राजकुआरी ने शादी तो किसी राजकुमार के नाल करवानी सी, लेकिन बुरी सोबत विच पै के भंगी का साथ मन का साथ ले लिया है। अज कूड़ा सिर पर ढोली फिरती है, तो राजकुमारी साड़ी आत्मा है, मन का साथ लेके मन अगे खुद भी इसे सबर नहीं करता गा, वो अगे इंद्रिया के वस में है, इंद्रिया भोगों के वस में है, भोग अगे जोड़े है वह खैशा के वस में है, खैश उठती है, वो पूरी करने वास्ते असी इन्हों इंद्रिया हथियार बनाने हैं, वरतते हैं, लेकिन जिन्या भी खैशा असं ज्यादा उठाने हैं उन्निया होर ज्यादा पै जाया हैं। सो महात्मा जब भी आते हैं वह किसी को अंधविश्वास नहीं देंगे दे कि भी परमात्मा थानू दूसरे जन्म च मिलेगा। वो सानू दसते हैं कि जो जिंदे की अनपढ़ है वह मरिया पिछों पंडित नहीं बन जाएगा या आल फाजल नहीं बन जाएगा, जेड़ा जिंदे की चोर ठग शराबी कबाबी है
वो मरिया पिछे महात्मा नहीं बन सकता गा। प्यारे हो जब पते बिना खत नहीं जाता गा, ये असं किस तरह कह सकते हैं जब मौत आती है। असं खुद भी आपके साथियों को देखते हैं साडा साथ छड जाते हैं, कोई किसी ने यह इकरार करके नहीं जाता कि मैं किस जगह जाना है। असं सारे को बैठे होंगे हैं, रोंदते हैं, पिटते हैं, सब कुछ ही करते हैं। वो सानू देख के रोंदा है, असं उसनू देख के रोंदे हैं। हजरत बाबू ने कहा कि एक तो माता पिता का विछोड़ा है, दूजा कि कबर का कष्ट है। हिंदू है तो अग्नि का सेक याद आता है। इतने असं किन्ने किन्ने महल बनाने हैं रहने वास्ते। सो इस वास्ते संत सानू प्यार नाल दसदे है कि साडी आत्मा ने मन का साथ दे के अपने घर नूं भुल गई, अपनी कौम नूं भुल गई। महाराज जी कहिंदे हुंदे कि जिस तरह एक शेर का बच्चा जंगल च रहिंदा है पर उसनूं कोई भेडां बकरियां चारण वाला लै आउंदा है, वो भेडां बकरियां दा दुद्ध पिला के बड़ा कर लैंदा है, वो उन्होंने ही बोली बोलता है क्योंकि बचपने तो उसनों उन्होंने सोबत हुई भेड़ा बकरिया की तरह। वो बोलता है उन्होंने नाल ही चढ़ता है, अपने आप में एक भेड़ जैसा ही समझ लग जाता है। किसी शेर ने देखा कि एक शेर का बच्चा होके भेड़ा में फिर रहा है, कितना अफसोस है। वो उसनों जाके कह लग्या कि प्यारे आप तू शेर है, वो मनने वास्ते तैयार ना होया। कहिंदा नहीं मैं तो पेड़ हैं। वो कहिंदा तू चल मेरे नाल, आपां पानी ते जाके फैसला करते हैं। जब पानी ते खड़े उन्हां दी शक्ल दिसी, ख्याल आया कि है तो मैं भी इहदे वर्गा ही। उहदा देख मैं गरजदा हैं, मेरे जैसी आवाज तू भी कढ। जब वो भी गरजिया, शेर भी गरजिया, भेड़ा बकरियां भज गई, अजाड़ी भी भज गया, उस शेर का बच्चा आजाद हो गया। इस तरह साड़ी आत्मा जिहड़ी है इसनूं इंद्रियां चारदियां हन, मन इहदा चरवाहा है। तो संत महात्मा जब परमात्मा भेजदा है वह सानू आके बड़े प्यार नाल समझाउंदे है कि देखो प्यारे हो, तुसी किसे वक्त सत्संग सत सचखंड दे वासी सो, थोड़ा घर सचखंड है, थोड़ी कौम सतनाम है, तुसी सतपुरुष दे बच्चे हो, तुसी इस पराए देश विच भटक रहे हो, अनेक कौम आउंदियां हन, अनेक आउणगियां, लेकिन कोई सदा इसका वारस नहीं रहिंदा। कहिंदे तुसी तां पराए देश विच आए हुए हो, एक काल की नगरी है। संत महात्मा आके वह सानू अंधविश्वास नहीं देते बल्कि अपना अनुभव देंगे है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी विच बैठ के अनुभव परमात्मा का प्राप्त होंदा है वही जीवन दसते हैं। जो कुछ उन्होंने प्राप्त होंदा है, जो रुकावट उन्होंने पेश आईया हैं वह भी वह दसते हैं, अपने ग्रंथां पोथियां विच लिख जांदे है। जिन्ना चक्र अनुभवी पुरश इस संसार विच रहिंदे है जीवां नूं अनुभव मिलदा रहिंदा है। जब अनुभवी पुरशां की कमी आ जाती है लोग भुल विच पै जांदे है। फिर होर कोई महापुरश आउंदा है उस तलीम नूं फिर ताजी कर जांदा है। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे कि इह कोई तलीम नवी नहीं असी तुहानू दे रहे, ये सनातन तो सनातन है, पुरातन तो पुरातन है। तुसी किसी ग्रंथ पुस्तक नूं पढ़ के देख लो, सब दे अंदर दर्ज है। तो संत महात्मा सिर्फ उस तलीम नूं ताजा करन वास्ते आउंदे हैं। किसी महात्मा की बाणी पढ़ के देख लो, सब दे अंदर
नाम और शब्द का होका है। ये भी महात्मा दसते हैं कि पहलवान ही पहलवानी सिखाएगा, नाम और शब्द के नाल वो ही जोड़ सकेगा जेड़ा खुद जुड़िया है, पढ़िया पढ़ा सकता है, जेड़ा आप ही अंदरों जुड़िया नहीं गा वो दूसरे नु किस तरह जुड़ेगा। बेशक इंसान अदब कवायद करके पढ़ लिख के अच्छी जिंदगी बना लेता है, आपके आप को पाक समझता है, लेकिन प्यारे मन जो है ये साढ़े अंदर बैठा है, इन्हें पता नहीं कद धोखा दे देना है, कद विशे बकारा शराबा कबाबा के फसा देना है। रेखियां मुनिया ने बड़ी तपस्या की, पारासर सारी जिंदगी योगा अभ्यास करता रहा, मशोदरी से मारिया गया। यही हालत विश्वामित्र की सी। कृष्ण भगवान जिसन अपना गुरु मानते दुर्वासा जब स्वर्गा गया वह भी उर्दसी दे काबू आ गया। कहने का भाव मेरा इतना ही है कि जब तक असी बाहर मुखी पढ़ पढ़ाई विच लगे हैं उन्ना चिकर असी इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह मचती अग हो गए वो उत्ते आप सुहा पा दिए राख पा दिए कुछ चिर वास्ते तो जरूर अग दब जाती है बुझ जाती है, लेकिन जब हवा आती है फिर वह अग सुग पैंदी है पांबड़ मच पैंदे है। इस तरह असी पढ़ पढ़ा के थोड़ा बहुत चिर असी आरजी टेंपरेरी फतेह हासिल कर लेने हैं कि असी महात्मा बन गए हैं, साडे वर्गा कौन है। जब दुनिया दी ख्वाहिशां आउंदियां हन भोगां दीआं लेनियां चलदियां हन मन उदों भी बुरी हालत साडी कर दिंदा है, उही असी दुनिया विच आ के फिर दुनिया जैसे ही कारोबार करन लग जाने हैं, विशे बकारां विच उलझ जाने हैं। इह क्यों हुंदा है कि सानू कोई पूरा गुरु नहीं मिलिया हुंदा गा, कोई पूरा महात्मा नहीं मिलिया हुंदा गा जिहड़ा खुद अंदर जाता है, जिहड़ा खुद शांति प्राप्त करी बैठा है, जिहदे खुद के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के झोंके उठ रहे हैं, जिहदा आपदा हिरदा इन्हां बीमारियां नाल सड़ रहा है, वो दूसरे नूं शांति कित्थों दे देगा। गुरु नानक कहिंदे है पहले मन पर बोधो अपना पीछे अंदर जावा, पहला अपने मन टिकाने लाओ फिर दुनिया की ठेकेदारी लो। लेकिन साधी की हालत है, चूहा खट ना मावी तिकल बद्दा छज, असी लोगों को शांति के उपदेश दिने हैं लेकिन आप की हालत है, आप भी धोखे दे रहे हैं। जो पिछे तिकल पिछे जो छज बद्दा है दुनिया का उन्होंने भी धोखे में रखते हैं, आत्मघाती महापापी। तो संत महात्मा जब भी संसार में आते हैं वो सानू प्यार के नाल उस परमात्मा का संदेश देंदे है। सो थोड़े अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, गौर नाल सुनो। महिमा सतगुरु शब्द बारवां सार वचन पन्ना 81 होरे चरण बसे अब मन में से दम दम तन में और चरण बसे अब मन में मैं से दम दम तन में। संतां दी बाणी अंदर गुरु चरणां दी बड़ी महिमा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं साध चरण अड़सठ से उत्तम कूद घूम पवित्र यहां पग करते, बड़ी उन्होंने महिमा है। लेकिन संतान की मुराद अंदरले चरणों तो होंगी है। जब असी सतारे सूर्य चंद्रमा अभ्यास के जरिए पार कर लेने हैं, गुरु स्वरूप नूं अंदर प्रगट कर लेने हैं, उत्थे संतां दे नूरी चरण है।
जब वो प्रगट हो जाते हैं उस रूप यदि महिमा सब वेद शास्त्र करते हैं उन्होंने असं उदों ही प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि महात्मा दसते कि साड़ी आत्मा के तीन पड़ते हैं अस्थूल है सूक्ष्म है कारण है जिमें एक पिंजरे में दूसरा है दूसरे तीसरा है इस तरह साड़ी आत्मा के उपर तीन पड़ते चढ़े हुए हैं जब असं अभ्यास करते हैं ये तिने पड़ते लह जाते हैं जिमें जिमें असी पहाड़ के नजदीक जाने हैं सर्दी लगती है तो स्वामी जी महाराज कहते हैं वो चरण मेरे गुरु के प्रगट हो गए हैं वो नूरी चरण जिन्हों की महिमा बयान नहीं कर सकते थे। हाँ गोरे चारे न बसे अब मन में मैं से दम दम तन में प्रीत लगी कट तुन में चढ़ पहुंची जब असी तुरिया पद विच जाने हैं सिमरन दे जरिए आत्मा नूं अखां दे पिछे लिआउंदे हैं तो सतगुरु नूर है जब असी सूक्ष्म दे विच जाने हैं वो शब्द है जब असी पारब्रह्म विच जाने हैं आत्मा तो सारे पर्दे ला लैंदे हैं तो सार शब्द है जिस तरह बच्चा स्कूल में जाता है टीचर नूं पता है कि इसनों कितने कि इल्म की जरूरत है प्राइमरी च है वह प्राइमरी की सिक्ख्या दिता है अगर मिडल विच है वह मिडल की सिक्ख्या दिता है एम ए विच है तो एम ए की सिक्ख्या दिता है जब एम ए की सिक्ख्या बच्चा प्राप्त करता है उदों उस लड़के स्टूडेंट को पता लगता है कि मेरे उस्ताद कितनी लियाकत है। इस तरह जब असी बाहर संतान को मिलते हैं असी उन्हें अपने जैसा इंसान समझते हैं क्योंकि वो इंसानी जामे में आते हैं साढ़े तरह बोलते हैं दुनियावी क्रिया करते हैं लेकिन जब असी रास्ता लेके कमाई करते हैं इस जगह पहुंच जाने हैं फिर पता लगता है कि गुरु किस शक्ति का मालिक होता है। अगर सानू दुनियादारा में पता लग जाता बड़े बड़े चोटी के महात्मा आए थे संसार विच गुरु नानक आए कबीर साहब आए लोगों ने उन्होंने दो मिनट आराम में नहीं बैठन दिता गुरु नानक ने तो कराइया किया कि लोगों की अकल बिगाड़ता है तुसीं देख लो अगर उन्होंने पता हों तो उन्होंने फायदा उठा तो कहने का भाव इतना ही है कि फिर प्रीत लगी कट जो असि सिमरन के जरिए अखा के पिछे आने तीसरे दिल से पहुंचते हैं और घंटे की धुन प्रकट हो जाती है वैसे उस कले प्रेमी सुनती है लेकिन ऐ लगता है कि जिन्हें सारा ब्रह्मांड भी इस आवाज में सुन रहा है देखा है बहुत सारे प्रेमी नाम लेके जब आवाज से बैठते हैं कई उठ तुरते हैं तो शायद आवाज बाहरों आ रही है लेकिन वो आवाज अंदरों है तो इतने घंटे की धुन है घंटे की आवाज है। सो संता महात्मा ने सानू बड़े प्यार में समझाया असी मंदिर विच जाने हैं उत्थे भी घंटे छैने खड़काए जाते हैं गुरुद्वारे से जाने हैं उत्थे भी घड़ियाल बजाने हैं नगारा बजाने हैं जोत जगाने हैं गिरजे विच जाने हैं उत्थे भी मोमबत्तियां कैंडलां जगाईआं जांदीआं हन और बड़ा घंटा उपर लग्या हुंदा है सर्विस शुरू होने तो पहले ही उसकी आवाज कीती जांदी है। बोधा के मंदिर में जाने हैं उत्थे भी
अखंड जोत जगाते हैं और घंटा बजाते हैं, मुसलमाना भी चिरागा करते हैं, नगारा बजाया जाता है। ये सारे रीति रिवाज असी देखिए तो सारे के मिलते जुलते ही है। ये सानू महात्मा ने समझाया सी कि थोड़े अंदर उस प्रभु ने इस तरह आवाज रखी हुई है, इस तरह का प्रकाश रखा हुआ है। पलटू साहब ने कहा, उल्टा कुआ गगन तिसमें जरे चुराग, ये साडा जिहड़ा सिर है ये उल्टा खूह है, जिस तरह खूह की जो बॉटम होंगी है ये उपर नूं होंदी है, इंसान उल्टा दरख्त है। सब सदा ये दिमाग तू लै रहा है। सो इस वास्ते किसमें जगह चिराग, पलटू साहब कहते हैं कि चिराग जल रहा है, बिन रोगन बिन बाती, और बगैर रोगन तो बगैर बत्ती तो बगैर किसी तेल तो जल रहा है। छे रुत बारह मास रहत जरता दिन राती, छे रुत है, बारह महीने हैं, दिन ते रात है। कहते इन हवा नहीं बुझा सकती, इहदा तेल नहीं मुकदा, बाहर तेल मुक जाएगा, हवा आई बुझ जाएगा, बत्ती मुक जाएगी, लेकिन जिसका महात्मा जिक्र करते हैं वो ना दिने बुझदा ना रात में बुझदा है। तो उस जगह तुरिया पद विच पहुंच गया, घंटे की आवाज नहीं सुन रहा है जी। बार बार चुकर असि इन्ह डाकों के बस में होंगे हैं, जब असि तुरिया पद में जावड़ते हैं तो जड़िया विरोधी ताकत सन आम निकल गया, उसकी जगह शील आ गया, क्रोध निकल गया, क्षमा आ गई, मोह निकल गया, विवेक आ गया, जो विरोधी ताकत सन वो निकल जाया हैं। शब्द का राज है, अगर घर का मालिक घरे ना हो, चोरों की जो मर्जी है वो लुट सकते हैं। यही हालत साड़ी है, साडा जो माल है ये पंजे डाकू काम क्रोध लोह मोहंकार लुट लेंगे है। जो असी जिमें जिमें आपके घर साडा घर ये शरीर है, जिमें जिमें असी अंदर बढ़ते हैं उमें उमें निकल के बाहर आ जाते हैं। महाराज सावन सिंह दसते होंगे सी कबीर साहब की बाणी का, पांचो लड़के मार के रहो राम लिवलाए। वो कहन लगे, मैं बहुत साल ये शब्द की खोज करता रहा कि इहदा की अर्थ है। हालांकि वो कुल मालिक बड़े ही तलीम जापता सन, लेकिन संतां की जो बाणी हुंदी है ये अनुभवी हुंदी है, जिसका अनुभव खुलेगा वो ही उस बाणी नूं समझ सकता है। अखरां दे अर्थ कोई होर चीज है, लेकिन अनुभव दे अर्थ कोई होर चीज है। कहिंदे कि जब बाबा जैमल सिंह मिलिया ये भी समझ अपने आप ही आ गई। पंज लड़के काम क्रोध लोह मोह हंकार, ये पंज लड़कियां की शक्ल है, और दस के जाते हैं काम दस के जाता है कि भी हम तू अंदर आ गया मेरा निर्वाह नहीं गा। क्रोध दस के जाता है कि भी हम मैं रह नहीं सकता, मेरी की गुजर है। कहते जब बाबा जैमल सिंह मिलिया फिर समझ आई कि पंजा लड़कियां तो आही है। कबीर साहब भी कहते हैं, मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं, कि जागो असी कहांगे असी सारे जागते हैं, नहीं प्यारे हो असी हम दुनिया की तरफों तो जागते हैं, परमात्मा की तरफों सुते हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध लो मोह हंकार भी जगलग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। एक कहने की गल नहीं भी सोचन भी है, अगर साडे अंदर जरा जिन ये मैल है तो परमात्मा बुआ नहीं खोलता गा, पंडित भी हो जा अनपढ़ भी हो जा। जी अब शील शिमा मन साई
गई सपना काम दुखदाई, फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। तूने पांच शब्द काट जागी, मन हुआ सहज वैरागी। जब ये पंजे डाकू काम क्रोध लोभ अहंकार निकल जाते हैं तो शब्द का राज हो जाता है। ये अजीब नजारा है, साडे अंदर शब्द का राज हो जाता है, अंदर प्रकाश हो जाता है। जब पहली मंजिल पर जाता है अंदर प्यारियां और मिठिया गुरु के नाल गल्लां होंदियां हन, उस वेले समझ आती है कि गुरु की की शक्ति है। ये कहण की गल नहीं, ये देखण की गल है जी। तूने पांच शब्द काट जागी, मन हुआ सहज वैरागी। इत्थे पहुंच के ही सच्चा वराग, सच्ची तड़प मन के अंदर पैदा हो जाती है। मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, मन जैसा कोई मित्र नहीं। कबीर साहब ने कहा, मन दे हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइया मन ही के प्रति। जिसने मन के हार मान ली, हार का की मनना है, जो मन कहता है। मन ने कहा लड़ाई कर ली, मन ने कहा शराब पीने लगते, मन ने जो कुछ कहा। मन मरीज संसार है, गुरु मरीज कोई साथ, जिन्हें ऐसा कर बूझिया ताका मतागा। वीर साहब कहते हैं सारी दुनिया कि ना लीजिए भाई, केड़ी कौम नू कहिए, सारे मन दे मरीद है। मरीद का मतलब मुर्दा। असी मन दे के मुर्दे हुए बैठे होंगे हैं। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं मन के अंदर, इतने पहुंच के अंदर सच्चा राग सच्ची तड़प पैदा हो जाती है। मन अपने घर को भुलिया होया है, ते ब्रह्म दी अंश है, तेरे कुटी दे रहने वाला है। जब इन इस टिकाने पर पहुंचा देवे, मन में शांति हो जाएगी, इनू भी विराग हो जाएगा कि मैं क्यों भुलिया रहा। सानू पता है कि जब असी किसी पागल नू जो जंगल में फिरता है उन्हें समझाना चाहिए या घर में लिया के उन्हें टकाना चाहिए, वो साढ़े ना झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, कपड़े फाड़ेगा। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे ते तरस करते हैं। लेकिन जब वो मकान च असी बंद करते हैं, घर में बैठ जाता है, उत्थे पंजां जो वस्तुआं होंदियां हन उधर झाकण लग जाता है। कोई किताब पई है पढ़न करी दिल लग गया, कोई होर चीज पई है उसनों देखण लग गया, वो शांत हो जाता है। हौली हौली उन्हें पता लगता है कि इस बंदे ने मेरे से किन्ना परोपकार किया है। यही हालत साडे मन की अज अज मन कैद होना नहीं चाहता गा। मन काल का एजेंट है, मन नूं पता है कि संतां दे पास गए तो मैनू कैद होना पड़ेगा। लेकिन शुरू शुरू विच ऐसा है, जब मन संतां दे कहण दे मुताबिक नाम की कमाई करता है, अंदर तरक्की करता है, अपने आप ही वो दुनिया के रसा कसा त्यागना शुरू करता है जी। तूने पांच शब्द काट जागी, मन हुआ सहज बैरागी, और कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। गुरु की कृपा के नाल ब्रह्म पहुंच गए, त्रिकुटी च पहुंच गए, सूरज प्रगट हो गया। नामदान के वक्त
सब कुछ ही समझा देंगे है, अनुभव करा देंगे है। यही उन्होंने बड़ी पछाण है। तो इस वास्ते आप कहते हैं पहला सानू असि देश को अपना समझते स, हमें पराया लगन लग पाया। उदू पहला की सी कि असं इस सच मनी बैठे सीगे कि साडा यह सब कुछ सच्चा है। गुरु नानक ने कहा कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। कूड़ का मतलब कि जिहड़ी नाश होने वाली चीज़ है, फना होने वाली है। इत्थे पहुँच के पता लगता है, दुनिया के विचों मोह निकल जाता है, शब्द ना पै जाता है, नाम ना पै जाता है। जी गोरे केरे पातूर उगाना अब हुआ जगत बेगाना, कट बैठी तारी लाई बार की क्रिया दूर बाई। और अंदर शांति आ गई है, जेड़ी बाहर की क्रिया चाहे किसी ना रहे चाहे बने, जो भी महात्मा इतने पहुंचे है। इसे में गुरु नानक ने कहा भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। जब ए रस आवा तब वो ना रहावा, फिर चाहे बने चाहे रहे वो उससे रस ही रहिंदा है। जी कट बैठी तारी लाई बारती क्रिया दूर बहाई, गोरे अद्भुत सुख दिखलाया क्या मैं मां जाए ना गाया। और आत्मा उसे पहुंच के गुरु का शुकराना कर दी है, गुरु नूं याद करती है, दया नूं याद करती है कि कित्थे तां मैं गंदे देश विच विशे बकारां विच शराबां कबाबां विच लिबड़ी होई सां, कित्थे मैनूं शांति दे देश विच लै जांदा है, मैं उहदी की महिमा बयान करां। गोरे अद्भुत सुख दिख लाया क्या मैं मां जाए ना गाया, जग जीव पागी सारे नर देही जो ही आरे। जब उसे आत्मा पहुंच जाती है ये कहती है कि ये सारे अपागे हैं, अगर ये जगह पहुंच जान तो सारे मेरे तरह शांति प्राप्त कर लें, शांति के देश में आ जाए। परमात्मा ने इंसान का जामा एक तोहफा दिता है जिहड़ा सानू वार वार नहीं मिलना गा। सब महात्मा यही कहते हैं कि ये तोहफा परमात्मा ने दिता है, सिर्फ ये परमात्मा की भगती वास्ते दिता है, बाकी तो असं हर जूनी विच बच्चे पशु पंछी भी पैदा करते हैं, खान पान वो भी करते हैं, वो भी भोग भोगते हैं, भुख प्यास उन्होंने भी है, उन्होंने भी नींद आती है। अगर इंसान बन के ही क्रिया करता है तो की उन्होंने कोई तरक्की है? इंसान की तरक्की उस वे है जो वो कम नहीं पशु पंछी कर सकते, इंसान के जामे कर सकते, वह परमात्मा की भगती परमात्मा के नाल मिलाप। भजो गोबिंद भूगल मत जाओ मानस जन्म का यही लाहो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हम तुम भूलो ना, इंसान के जामे का अगर कोई लाहा है इस जिंदगी दे विच बैठ के तो यही है। तो इस वास्ते कहिंदे ये अभागे है, ये किहदे भाग लिया हूं संत आके ना सानू कोई कौम छड़ाउंदे है ना मजहब छड़ाउंदे है ना वो कोई अपना भार साढ़े उत्ते सुट्टदे है। अगर कोई मुफत साडा नौकर है
ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਗ ਜੀਵ ਅਪਾਗੀ ਸਾਰੇ ਨਰ ਦੇਹੀ ਜੋਹੀ ਆਰੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂ ਜਮ ਕੇ ਕੰਕਰ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साडा भुलेखा ही है कि सानू किसी ने पूछना नहीं जो मर्जी दुनिया विच असी कर लीए शराबा पीए लड़ाई कर लीए झगड़े कर लीए जो भी मर्जी कर लीए सानू किसी ने पूछना नहीं जिन्हां महात्मा दियां अखां खुलियां हैं उन्होंने सानू कोई डराने वास्ते बाणी नहीं लिखी हुई ये बाणी महात्मा की साडी बीमारियां की दवाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं नानक आखे रे मना सुनिया सिख सही मैं जो सिख्या दिना वो सही है लेखा रब मगेसिया बैठा कड वही पाई पाई का हिसाब ने लेना है तो इस वास्ते आप दस दे है जिस महात्मा ने ना कौम बदलाई महाराज जी कहते होंगे सीगे कि परमात्मा ने किसी नूं लेवल ला के नहीं भेजिया फिर भी महात्मा कहते कि तुसी आपो अपनी कौम विच रहो आपो अपने रीति रिवाजा के मुताबिक ब्याह शादियां करो संतां का साडी दुनियावी जिंदगी ना कोई मतलब नहीं हुंदा गा उन्हां का रिश्ता नरोल रूहानियत का हुंदा है। सो इस वास्ते आप कहते कि क्यों बई क्योंकि महात्मा सानू दसदे है के असली रूप जो संतान का है वह शब्द होता है। मैं कल गुरु नानक के शब्द में दसिया कि गुरु का असली स्वरूप सतनाम होता है जो दसवें द्वार तो उपर जाके नजर में आता है लेकिन ऊड़ा आड़ा जो है जो अल्प देह है वह देह तो शुरू होती है। अगर देना प्यार ना होएगा असं तरक्की नहीं कर सकते अंदर जा ही नहीं सकते जी प्यारे शीशे की जरूरत नहीं कि मैनू चुप के देखो ये तो असं आपके दाग साफ करने हैं संतान की लोड़ नहीं कि साड़ी देह ना प्यार करो लेकिन सेवक तरक्की कर ही नहीं सकता गा गुरु नानक ने भी कहा गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर का शब्द मंत्र मन मान फिर इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं क्यों गुर से प्रीत ना करते कि जम के क्यों जमा के बस विच जमा ने न्योंदा दिंदे है। जब गुरु नानक मके गए काई रुकन दीन ना काफी गलबात हुई वो कहते जी तुसी गुरु की बड़ी तारीफ करते हो कि जीवित महापुरुष जरूरी है वो गुरु कितने काम दिंदा है तो जन्म साखी में चाहता है कि देख ली काजी रुकनदीन थोड़ी पवित्र किताब अंदर भी जिसन असी बेतरनी नदी कहने हैं जिक्र आता है जिसन तुसी दोजक की नदी कहने हो वो हर एक ने पार करनी है वो बड़ा भयानक कष्ट है तो पूं और रत का उहदे विच देग चल रहा है गर्म है और जीव के सिर उत्ते पुन्ना और पापा का बोझा है जमदूत डंडे मारते हैं जब इन कुट्टी दिन प्यास लगती है उस वेले ते पानी मंगता है वह कहते प्यार मुल का पानी मिलेगा जरा तेरा फलाना पुन है वो दे दे तेन पानी दे दें हैं जो कुछ बेचारे को हुंदा थोड़ा बहुत पुन वो उत्थे लुटा देता है। तो आप कहते बे पीरा बे मुर्शदा कोई ना पूछे बात
ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੱਛ 'ਚ ਬਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਗੋਰੇ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂ ਜਮ ਕੇ ਕਿੰਕਰ ਰਹਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੇ ਕਹੂੰ ਸੁਨਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਭੇਦ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤ ਕਉ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਮੀ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਰਮ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇਬਾਂ ਵੀ ਵਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੇਖ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਦਿਆ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ, ਜੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹੈ ਸੋ ਵੈਕੁੰਠ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏ ਕਲਾਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੇ ਕਹੂੰ ਬਨਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਈ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਪਾਈ, ਅਬ ਛੋੜੋ ਸਾਥ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਨਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਖ ਪਰਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਤ ਹੰਸਤ ਹੰਸਤ, ਆਪਦਾ ਕਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾ ਆਦ ਨਾਲ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਗੋਰੇ ਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਪਾਈ, ਅਬ ਛੋੜੋ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਚੱਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਾਟੀ, ਚੜ ਸੁਨ
शिखर की बाटी कर तू वर्ण बचा पार ब्रह्म चल रहा ये चल रह तू त्रिकुटी काटी चढ़ सुन शिखर की बाटी महासुन की तोड़ो ताटी जा पवर गुफा की हाटी महासुन का जो पर्दा है उसने भी तोड़ ला पवर गुफा में पहुंच गया। महासुन का जो अंधेरा है जेड़े जाते हैं अंदर उन्होंने ही पता है कि किस तरह उत्थे आत्मा गुआचियां फिर हैं। हालांकि पार ब्रह्म में पहुंचने आत्मा की रोशनी जो है प्रकाश है वो 12 सूर्य के बराबर महात्मा दसते हैं, लेकिन वो महासुन का जो पर्दा है वो महाअंधेरा है। इसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते जे सो चंदा उगवे सूर्य चढ़े हजार, उत्थे हजारा सूरज हजारा चंद्रमा भी चढ़ जाए फिर भी गुरबिन घोर अंधार, उत्थे गुरु अपने प्रकाश नाल ही आत्मा नूं अगे ले जांदा है। आत्मा दी की ताकत है जी महासुन की तोड़ो ताटी जा पवर गुफा की हाटी तेरे साथ पुरुष कर पाया तुम भी ना जाए बजाया। सब संतान ने इत्थे पहुंच के इन्हां शब्दां दा जिक्र कीता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे रहंत जन्म दर्श लेना वजंत नानक तै शब्द लेना, मिठी आवाज सुरीली आवाज जिसनों के आत्मा सुन के मस्त हो जाती है। जब उसे पहुंच जाती मस्त हो जाती है फिर पता लगता है कि मेरिया सखियां मेरिया सहेलियां आत्मा जो हैं उस किने काल के देश में दुख पा रही हैं कष्ट पा रही हैं। जिस रास्ते आत्मा जाती है वो दया दे रस उस रास्ते आके संदेश देते हैं। सब संतान ने जिक्र किया। नामदेव ने कहा कि अनहद देन बजाओगे वरागी रामे गाओगे। सब संतान ने इतना जिक्र किया है। कबीर साहब कहते हैं उत्थे पहुंचे दी की हालत है भाई की उहदा रस की संता के दसन कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे कह न जाई हो। गूंगा गुड़ का खा लेंदा है लेकिन उहदा रस स्वाद नहीं दस सकता वध तो वध कच्छा हो जाता है। संत भी उत्थे पहुंच के चुप हो जाते हैं की दसन लई। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि साडे हिंदुस्तान दे विच आगरा ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, अगर उहदी मिसाल असी किसी पिंड विच शहर विच देईए कि वह ऐसा मकान है असी दे नहीं सकते। जब मिट्टी की मिसाल मिट्टी ना नहीं दे सकते तो संत सचखंड की की मिसाल दे लई तो देखने वाली तलक रखता है जी। तेरे साथ पुरुष कर पाया तुन बिना जाए बजाया तूनी अलख गम की पतिया सस सूर खर बजा। स्वामी जी महाराज ने और तुलसी साहब ने बड़ा ही खोल के बयान किया है क्योंकि महात्मा अंग्रेजा के जमाने में आए जो कि हर एक बोलने की आजादी सी, लेकिन बाकी जो महात्मा सन वो उस वेले आए गुरु नानक दस गुरु कबीर साहब जब कट्टरपंथी लोगों का हिंदुस्तान पर राज सीगा। गुरु ग्रंथ साहिब पांच छे दफा मुसलमान बादशाह ने तलब किया कचहरी विच, बेशक उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि बाणी दे विच तां किसी की निंदा ही नहीं सी।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਬਚਾਏਗਾ ਬਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਕਰਮ ਪੁਲਾਹੀ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਗੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਬ ਅਰਬ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ ਜੀ। ਸੋਨੀਆਂ ਲਾਖਿਆ ਗਮ ਕੀ ਬਤੀਆਂ ਸੱਸ ਸੂਰ ਖਰਬ ਯਾਂ ਖਤੀਆਂ ਪੀਆ ਪਰਸੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਨਾਮੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਬਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਧੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਆ ਪਰਸੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕੁਛ ਕਹੂੰ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਨਾਮੀ ਮੇਰੀ ਆਰਤ ਸਭ ਸੇ ਨਿਆਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗੀ ਪੀਆ ਪਿਆਰੀ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਰਤ ਸਭ ਸੇ ਨਿਆਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗੀ ਪੀਆ ਪਿਆਰੀ ਯਹ ਪੇਦਯਾ ਥਾ ਬਖਾਨਾ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਦ ਅਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਲੱਖ ਅਗੰਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਾਵੈ ਸਤ ਲੋਕ ਕੀ ਤਬ ਗਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੰਤਨ ਧਾਮ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਆ ਬਸਰਾਮ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਗੈਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯਹ ਪੇ ਦਯਥਾ ਬਖਾਨਾ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪਰਮੀ ਜੀਵ ਜਗਤ ਕੇ ਅੰਧੇ ਸਭ ਬਸੇ ਕਾਲ ਕੇ ਫੰਦੇ। ਕਾਲ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮੀ ਜੀਵ ਜਗਤ ਕੇ ਅੰਧੇ ਸਭ ਫੰਸੇ ਕਾਲ ਕੇ ਫੰਦੇ।
ਤੇ ਗੂੜ ਛੁਪਾਏ ਰਹੀਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਗਾਹਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤੋ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੋ ਗੁਣ ਲਾਤ ਬਕਾਏ। ਜੀ ਕੁਨ ਸੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮਤ ਗੂੜ ਛਿਪਾਏ ਰਹੀਏ, ਤੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸੁਮਰਨ ਮੇ ਤਨ ਮਨ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ। ਜੀਵੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਜਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਕੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕ ਲੋਕ, ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਨ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚਾੜ ਲਓ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸੁਮਰਨ ਮੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇਨਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਖਨਾ ਤੁਨੇ ਅਨਹਦ ਨੇਤ ਪਰਖਨਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣਾ, ਜਬ ਡੋਲ ਬਣੇ ਤਬ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਆਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੁਧ ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਕਹੇ ਕਿ ਤਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਰਦ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਦੋਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਮਾ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਰਮਾ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਪ ਤਿਆਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ
तो मैं तुहाडा न्याय कर दिंदा हां। तो विश्वामित्र कहिंदा मैं 10,000 साल का तप दिता धरती खड़ जाए और धरती उत्थे दी उत्थे रही। 60,000 उसने तप किया सीगा। आखिर कहिंदा मैं सारा कुछ ही दिता। 2 मिनट वास्ते धरती उपर उठी और शेषनाग खुशी विच खेलने लग्या। वो कहिंदा भी तू खेलदा है तू साडा न्याय कर। वो कहिंदा न्याय तां तुहाडा आपे ही हो गया, तेरा सारा जिहड़ा तप त्याग सीगा उहदे नाल तां धरती तहां नाल उठी। इहने सत्संग दी इक घड़ी दा विशेष ने अगर पुन दिता तो धरती उपर उठ खड़ी है, न्याय तुहाडा तुहाडे कोले ही है। तो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहिंदे आ सत्संग वास्ते टाइम कढ लै जब भी बने। सत्संग दे विच ही साडे भुलड़ मन नूं समझाउंदी है जी। सत संग की चाहत रखना जब डोल बने तब करना, उपदेश किया यह टीका